Morning, friends. How are you all? Are you all fine? Yes. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? वी सॉ स्टेट वर्ब्स. स्टेट वर्ब्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, याद है आपको कैसे स्टेट वर्ब्स यूज़ करते हैं? जो आइडिया हम एक्शन वर्ब्स से बताते हैं उसी को हम स्टेट वर्ब से बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई टीच इंग्लिश, तो टीच वहाँ एक्शन वर्ब हुआ. उसी सेम चीज़ को हमें स्टेट वर्ब से बताना हो तो हम क्या लगाते हैं? एम, राइट? आई एम एन इंग्लिश टीचर, राइट? उसमें कौन से तीन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है? आई प्लस एम, यू प्लस आर, ही और शी प्लस इज, राइट? ये हमने देखा था. उसी का एक कंटिन्यूएशन आज हम देखने वाले हैं. यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश में, राइट? अब कब हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है? जब हम किसी इंटरव्यू सिचुएशंस में जाए, राइट? तो पहला क्वेश्चन ही वो लोग यही पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. एट दैट टाइम हमें हमें आपको इंग्लिश में अगर इंट्रोड्यूस करें तो अच्छा रहेगा, राइट? हमारा यानी स्टेचर उनको पता चलेगा, राइट? और दूसरे कौन से सिचुएशन में, सपोज आप कोई फ्रेंड्स को अगर मीट करने जा रहे हो, तो नए फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग बोलते हैं प्लीज़ आपका इंट्रोडक्शन प्लीज़. तो हम इनफॉर्मली हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश में, राइट? तो वही चीज़ में मैंशन किया होगा, राइट? हम थोड़ा पढ़ लेते हैं वो क्या लिखा हुआ है. यू ऑफन हैव टू टॉक अबाउट योर सेल्फ. You often have to talk about yourself. For example, when you face an interview for admission to an institute or for a new job. कोई institute में अगर तुम्हें admission चाहिए तब, और जब तुम किसी new job के लिए जाओ तब वहाँ पर वो लोग पूछते हैं, right? या तो in informal situations, when you meet new persons or a group of people, you tell them who you are. जब जब आप नए लोगों से मिलने जाते हो तभी आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. अब ऐसे सिचुएशंस में हम कौन सा वर्ड्स यूज़ करते हैं या कौन सा एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं वो आगे दिया हुआ है. वी ऑफन यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. कौन कौन से? माई नेम इज़, राइट? आई एम दिस मच ईयर्स. आई एम मैरिड और अनमैरिड. आई हैव अ डॉटर एंड अ सन. माई फादर वर्क्स फॉर. माई मदर इज ए. आई लिव इन, राइट? आई एम अ स्टूडेंट और कारपेंटर, जो भी प्रोफेशन है आपका. आई स्टडी. आई वर्क फॉर. आई वर्क एज ए. आई लव. माई हॉबीज आर, राइट? तो यहाँ पर भी इस सिचुएशन में भी हम कैसा फॉर्म यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ब के साथ, राइट? तो यहाँ पर भी हम उसी फॉर्म का, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो हम देखते हैं आगे. एक कैंडिडेट है रीता. रीता नाम के एक कैंडिडेट है. वो उसके उसके उसका उसके ऊपर हम दो सिचुएशंस लेने वाले. एक तो जब वो इंटरव्यू को अटेंड करती है तब वो कैसे अपने बारे में बोलती है, और पहले और दूसरे सिचुएशन में जब वो इनफॉर्मली जब उसको नए लोगों से मिलना है तब वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करती है. ये दो सिचुएशंस का आज हम देखने वाले हैं, राइट? तो फर्स्ट, रीता इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है. अब इसको ये रीता नाम की वो कैंडिडेट है, वो एक इंटरव्यू कौन सा है जहाँ पर उसको जॉब चाहिए, राइट? अच्छा जॉब चाहिए. तो कुछ इंटरव्यू पैनलिस्ट के आगे वो कैसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, देखो. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रीता मेनन. आई एम 23 इयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली. माय फादर इज़ अ लॉयर एंड माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ. आई एम अ बीटेक इन सीएसटी फ्रॉम आईआईटी कानपुर. एट यूनिवर्सिटी I specialized in RDBMS. I currently work as a network engineer in a company called Network Solutions Limited. My present job doesn't match my specialization, so I'm looking for a change and I wish to work as a programmer. Right? तो वो अपने आप का इंट्रोडक्शन उसने दे दिया. कितना फॉर्मली वो बात करती है, देखो. अगर आप नोटिस करो कितना फॉर्मली बात करती है. वो अपने प्रोफेशन को लेकर ही बात करती है, प्रोफेशन से बाहर अपनी हॉबीज या उसके इंटरेस्ट वो सब वो बात डिस्कस करती नहीं है, राइट? और दूसरा चीज़ अगर आप नोट करो तो उसका टोन एकदम फॉर्मल है. कोई दोस्त जैसे कोई दोस्त सामने बैठा हो वैसे वो नहीं बात करती, वो प्रोफेशनल होकर ही बात करती है. और तीसरा चीज़ ये है कि वो फुल फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करती, वो शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करती है. जैसे कि CST, दैट इज CST का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर. क्यों वो शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर दिया? क्योंकि उसे पता है, सामने वाले को उतना तो पता होगा, राइट? तो ये बंदी बेसिकली नया एक जॉब चाहती है, तो उसके लिए वो अपना इंट्रोडक्शन इंटरव्यू पैनलिस्ट के आगे देते हैं. तो आप भी जब अपना इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू आपका जब हो रहा हो तो आप ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस
को के फॉर्म्स में आप सेंटेंसेस को बना के बोल सकते हैं. देयर इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट स्टेट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, राइट. ये हुआ पहला सिचुएशन. अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं जब वो नए लोगों से मिलती है. देखो However, Rita introduces herself differently to the members of a trekkers club she has just joined. वो अपने आप का इंट्रोडक्शन एक ट्रैकर्स क्लब के साथ कर रही है. ट्रैकर्स क्लब यानी ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं, राइट. ट्रैकिंग यानी क्या है, जो लोग बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, जस्ट फॉर पिकनिक टाइप के लोग होते हैं वैसे. तो ट्रैकर्स लोगों के सामने वो अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे देती है, देखो. हाय, इट्स नाइस टू बी विथ यू ऑल. आई एम रीता मेनन. आई एम फ्रॉम चाणक्यपुरी. माई डैड इज़ अ लॉयर एंड माई मॉम इज़ अ हाउस वाइफ. आई हैव अ ब्रदर. He is in class 11. I am an engineer from IIT Kanpur with a specialization in computer science and technology. I work in a company called Network Solutions. I enjoy working with computers, but I like reading and traveling even more. In particular, I love trekking. I trekked for 7 days in the Nilgiris last year, from Udagamandalam to Bandipur. My dream is to visit the Mansarovar someday. I am delighted to become a member of the Trekkers Club of South Delhi. राइट. तो ये अपना अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रही है, देखो. यहाँ पर वो अपने फैमिली के बारे में बोलती है, उसके ब्रदर के बारे में बोलती है, वो अपने इंटरेस्ट हॉबीज़ के बारे में बोलती है कि उसको रीडिंग पसंद है, राइट. कहीं पर इसने ऐसा दिया हुआ है कि शी लाइक्स रीडिंग, राइट. रीडिंग एंड ट्रैवलिंग, उसको ट्रैवलिंग करना भी पसंद है, राइट. उसका टोन एकदम इनफॉर्मल है, जैसे कि सामने दोस्त बैठे हो, जैसे हम टोन यूज़ करें वैसा टोन ही वो यहाँ पर यूज़ करती है, राइट. और यहाँ पर वो शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करती, वो फुल फॉर्म्स में ही सारे चीज़ों को बोलती है, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाले को शायद फुल फॉर्म्स ना भी पता हो, राइट. तो वो इस तरह से यहाँ पर बात करती है, राइट. कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने पूरा बोला था. तो यहाँ पर वही आगे दिया हुआ है कि अगर आप इन दो कन्वर्जेशंस को आप डिफ्रेंशिएट करो तो आप क्या क्या बोल सकते हो, राइट. वो इन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि पहले सिचुएशन में क्या है, टॉक्स ओनली अबाउट थिंग्स रेलेवेंट टू हर जॉब. उसके जॉब के को संबंधित करके ही वो बात करती है. हर टोन इज़ फॉर्मल, उसका टोन जो है वो फॉर्मल है, यानी फॉर्मल टोन में बात कर. शी यूज शॉर्ट फॉर्म्स CST, RDBMS, IIT, राइट. बट वेन शी स्पीक्स टू मेम्बर्स ऑफ अ क्लब, बट जब वो क्लब के मेम्बर्स के साथ बात करती है, शी टॉक्स लेस अबाउट हर प्रोफेशन. वहाँ वो अपने प्रोफेशन के बारे में कम और अपने इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा बोलती है. एंड मोर अबाउट हर इंटरेस्ट एंड हॉबीज. शी ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई शी हैज़ जॉइन द ट्रैकर्स क्लब. Her language is informal. हाँ, she uses dad mom instead of father mother. उसने एक और चीज़ का इस्तेमाल किया, dad mom. Father mother का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि dad mom. वो इतना ही informal होकर वो बात कर रही है, right? So, जब भी आपको कोई situation आए, जब आपको अपना presentation देना हो या introduction देना हो, right? At that time, कौन से दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? पहला, आप अपने जॉब के रिलेटेड ही ज़्यादा बात करो. जब आपको कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन देना हो तो जॉब के रिलेटेड ही या उसके संबंधित ही ज़्यादा डिस्कशन करो. और दूसरा ये है कि सिचुएशन के हिसाब से या तो फॉर्मली बात करो या तो इनफॉर्मली बात करो. आप इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने जैसे फ्रेंड्स की तरह बात नहीं कर सकते, हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा नहीं बोल सकते. उसी तरह आपके फ्रेंड्स के सामने आप बहुत फॉर्मल होकर आप बात नहीं कर सकते, राइट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. सो ये एक और चैप्टर था जहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें यूज़ करना पड़ा. कौन से सिचुएशन हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हैं? जब हमें अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस करना हो या इंट्रोडक्शन देना हो, राइट. तो ये तो हुआ एक चैप्टर. अब इसका कुछ एक दो एक्सरसाइज देख लेते हैं, राइट. जब आपके आई एम योर फ्रेंड एंड आई कैन से द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ, राइट, तो मैं अपने आप के बारे में ये सारे चीज़ बोल सकता हूँ. आई एम दिनेश ठाकुर फ्रॉम पुणे. आई एम, दैट इज़ क्या है, कौन सा वर्ब है, वो स्टेट वर्ब, राइट. आई एम दिनेश ठाकुर. आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, वापस स्टेट वर्ब. आई स्टडी इकोनॉमिक्स एट फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे. स्टडी यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट वर्ब है? नो, इट्स एन एक्शन वर्ब, राइट. फिर आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस. मैं एक म्यूजिशियन के फैमिली से बिलोंग करता हूँ. माई मदर श्रीमती रोशनी ठाकुर इज अ प्लेबैक सिंगर फॉर हिंदी मूवीज. मेरी माँ एक प्लेबैक सिंगर है हिंदी मूवीज के लिए, राइट. ईस लगाया है वहाँ पर, स्टेट वर्ब. आई एम अ बडिंग सिंगर, राइट. आई एम अ बडिंग सिंगर यानी कि मैं उभरता हुआ एक सिंगर हूँ. आई सिंग बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न सॉन्ग्स.
आई वॉज द विनर ऑफ अ टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय द मूनलाइट टीवी चैनल लास्ट ईयर. मैंने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता हुआ है. बिसाइड सिंगिंग आई ऑल्सो प्ले द सितार. मैं गाने के सिवा अलावा मैं सितार भी बजाता हूँ. आई लर्न प्लेइंग द सितार फ्रॉम द मैस्ट्रो रहमतुल्ला खान. मैंने सितार सीखा किससे? रहमतुल्ला खान से सीखा. देखो यहाँ सब उसने बेस वर्ब यूज़ किया, वर्ब का कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया हुआ है. बेस फॉर्म लर्न, फिर कम, स्टडी, राइट, ये सब है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है, यानी जो डेली करते हैं या जो चीज़ हमेशा से छो, राइट. द बैंड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द सिटी ऑफ ऑफ आवर अमंग द यूथ ऑफ आवर सिटी. तो एक बैंड को बिलोंग करती, दैट इज़ बिलोंग करता है कैक्टस फ्लावर्स पुणे में, तो वो बहुत पॉपुलर सिटी है, सिटी के अंदर बहुत पॉपुलर है, राइट. तो अब आपको एक एक्सरसाइज में दूंगा, उसके ऊपर से आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर. कुछ देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं. अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं और उसके लिए क्या क्या एक्शंस हमें करने चाहिए वो दिया हुआ है, राइट. तो पहला दिया है टू रिमेन फिजिकली फिट. फिजिकली फिट अगर हमें रहना हो तो क्या करना चाहिए? जॉगिंग एंड एक्सरसाइज एवरी डे. जॉगिंग एंड एक्सरसाइज एवरी डे, राइट. सेकेंड, टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना हो तो क्या आएगा? डूइंग योगा एवरी मॉर्निंग. फिर टू इम्प्रूव माई क्रिकेटिंग स्किल्स. अगर मुझे मेरे क्रिकेटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना हो तो प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एट द नेट्स. मुझे नेट्स में हमेशा रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. टू अंडरस्टैंड द गेम बेटर. अगर मुझे गेम को अच्छी तरह समझना हो तो लर्निंग द फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट फ्रॉम आवर कोच. तो कोच के पास से मुझे क्रिकेट के और भी अच्छे एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा. टू फॉलो द मास्टर्स ऑफ द गेम. गेम के मास्टर्स को मुझे अगर देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? वॉचिंग क्रिकेट मैचेस ऑन टीवी. टीवी में जो क्रिकेट मैचेस आते हैं उसे देखना पड़ेगा, राइट. अब ये सारे मैंने आपको आंसर्स दे दिए. इसके ऊपर से मैं एक सेंटेंस जो है वो मैं बोल देता हूँ, कैसे हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे. टू रिमेन फिजिकली फिट, जॉगिंग एंड एक्सरसाइजिंग एवरी डे. अब इसको सिंपल प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करें? आई जॉग and exercise every day. Jogging nahi, jog and exercise every day to remain physically fit, right. Base form jogging nahi, exercising nahi, balki jog and exercise. Second sentence aap try karo. To improve concentration, doing yoga every morning. Kya hoga? I do yoga ya I practice yoga every morning to improve concentration, to improve my concentration. डू, डूइंग की जगह डू. और फिर नेक्स्ट, आई प्रैक्टिस रेगुलरली एट द नेट्स टू इम्प्रूव माई क्रिकेटिंग स्किल्स, राइट. फिर आई लर्न द फाइनर पॉइंट्स ऑफ क्रिकेट फ्रॉम आवर कोच टू अंडरस्टैंड द गेम बेटर. एंड लास्ट, आई वॉच क्रिकेट मैचेस ऑन टीवी टू फॉलो द मास्टर्स ऑफ द गेम. तो आपने देखा कैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही सेंटेंस को फॉर्म किया, बेस फॉर्म में यूज़ किया वर्ब को और सेंटेंसेस बनाए, राइट. तो ये फ्रेंड्स, ये एक और चैप्टर था जहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, राइट. उन्होंने कुछ एक दो एक्सरसाइज दिए थे कैसे हम उसी फॉर्म में सेंटेंस को क्रिएट करें, राइट. ये सारी चीज़ें हमें रेगुलरली करने पड़ेंगे अगर हमें अच्छा क्रिकेटर बनना है. तो होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, राइट. विल आपको अगर कुछ भी पता ना चल रहा हो, दैट इज व्हाट इज स्टेट वर्ब ना पता चल रहा हो, राइट, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो ना पता चल रहा हो, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके, बाय एवरीवन.